और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बुधवार देर रात तेंदुए के दो बच्चों का रेस्क्यू कर लाया गया है। दोनों ही बच्चों को धार के पास से रेस्क्यू किया गया। इनकी उम्र 7 से 10 दिन के बीच की बताई जा रही है। फिलहाल चिड़ियाघर में उनका इलाज चल रहा है। दोनों को ड्रॉपर से दूध पिलाया जा रहा है। चिड़ियाघर के क्यूरेटर निहार पारलूकर ने बताया कि दोनों ही बच्चे प्रारंभिक जांच में 7 से 10 दिन के बीच के दिख रहे हैं। इन्हें धार वन रेंज के ताना गांव से लाया गया है। रात में जब इन्हें लाया गया था तब उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या थी, लेकिन अभी दोनों ठीक हैं। संभवतः दोनों ही बच्चे तेज बारिश के कारण अपनी माँ से बिछड़कर जंगल से गांव तक आ गए थे। ग्रामीणों को दोनों शावक एक खेत में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने टीम को सूचना दी। निहार ने बताया कि जहां से दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, वहां पर रात में टीम ने कुछ देर रुक कर इनकी माँ का भी इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आई तो इन्हें लेकर चिड़ियाघर आ गए हैं। वन्य प्राणियों के बच्चे खो जाने पर अक्सर ऐसा देखने में आता है कि माँ बच्चों को तलाशते हुए आ जाती है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए बच्चों को यहाँ ले आए हैं।